जी नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं लाहौर से। ज़िमनी इलेक्शन के दौरान लड़ाई झगड़े, लीगी और इंसाफी कारकुन आमने सामने। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन के दौरान लड़ाई झगड़े के वाक़यात पेश आए। मुखालफीन एक दूसरे पर बदनज़मी के इल्ज़ाम लगाते रहे। लाहौर के हलका पीपी 158 में वोट कास्ट करने के दौरान लड़ाई हुई। वाक़या धर्मपुरा में पेश आया, जहां पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने पर झगड़ा हुआ। पीटीआई कारकुनान का कहना है कि इन्हें पुलिस स्टेशन के अंदर जाने से रोका जा रहा है। लाहौर के ही हलके पीपी 168 में बदनज़मी के दौरान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के वोटर्स आमने सामने आ गए। वोटर्स का कहना था कि पोलिंग स्टेशन 50 और 51 में वोट कास्ट करने में मुश्किल दरपेश हैं। तहरीक इंसाफ के वोटर्स ने इल्ज़ाम लगाया कि मुस्लिम लीग नून ने अपने बंदे पोलिंग स्टेशन के अंदर तैनात किए हैं। वाक़या की इतला पर पीपी 168 के नून लीगी उम्मीदवार असद खोखर मौका पर पहुंच गए।